अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब तो ठीक होंगे। आज हमारे पास फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शन का टॉपिक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस पिक्चर के ऊपर कि इसमें आपके पास जो है कुछ वाटर ड्रॉप पड़े हुए हैं, ठीक है, इस लीफ के ऊपर। तो सी, यहाँ पे हमारे पास वाटर ड्रॉप हैं और ये विजिबल और हाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये हम लेयर से हम कम कर सकते हैं, बट ये बने कहाँ से, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन से बने हैं। चल स्टार्ट करते हैं हम। क्या करते हैं, इस लेयर को सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक लेयर क्रिएट कर देते हैं। लेयर क्रिएट करने के बाद हम एक हार्ड राउंड ब्रश टूल लेते हैं। ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया, ब्रश टूल आ गया, बी इसका शॉर्टकट की है, और इसके अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ हार्ड राउंड ब्रश। हार्ड राउंड ब्रश मैंने जब सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे देखा ये मेरे पास हार्ड राउंड आ गया, ठीक। ये देखो हार्ड राउंड ब्रश आ गया, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस कर सकता हूँ मैं, डिफरेंट साइज लाइक स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज़ डिक्रीज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से इसका साइज़ डिक्रीज होता है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे ड्रॉप क्रिएट कर दिया, ठीक है। कहीं छोटा कर दिया, कहीं बड़ा कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के मैंने यहाँ पे ड्रॉप बना दिए। इट्स अप टू यू, आप कैसे बनाना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। अच्छा, जब ये मैंने बना दिया तो मैंने आपको एक टेक्स्ट की फाइल दिखाई कि देखो यहाँ पे एक चीज़ें लिखी कि फर्स्ट यू यूज़ टू हार्ड राउंड ब्रश विद ब्लैक कलर और पुट द ड्रॉप, ड्रॉप यहाँ पे पुट करने। ये मैंने विंडो इसलिए ओपन कर ली है कि अगर आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कितने नंबर्स डालने हैं, कितनी चीज़ें करनी है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाए। वो कहते हैं सबसे पहले आप एक काम करें, इस फिल्टर यूज़ करें। फिल्टर के अंदर है डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट के अंदर है वेव। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिल्टर, फिल्टर के अंदर जाता हूँ डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट के अंदर है वेव। वेव मैंने ओपन करा। वेव क्या चीज़ होगा कि ड्रॉप जिस तरह से आपके पास स्मूथ नहीं होता, जैसे एक सर्कल आ रहा है, इसी तरह से जब आप कोई ड्रॉप देखते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा डिफरेंट जिगजैग शेप में आ रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट की हुई है। ये कहते हैं नंबर ऑफ जनरेट 3 होना चाहिए, वेव लेंथ 50-50 होना चाहिए, एम्पलीट्यूड 35-35 होना चाहिए और स्केल 7 और 10 होना चाहिए। मैंने कहा नंबर ऑफ जनरेट 5, ठीक, वेव लेंथ 50 और एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है 35, मैंने इसको यहाँ पे 35 और स्केल क्या आ रहा है 10, 7 और 10। और मैंने अब क्या किया, एक रार सिर्फ रेंडमाइज पे क्लिक कर दिया। सही, वो जीप डिस्टॉर्शन से आ रही थी, यहाँ पे रेंडमाइज में वो डिफरेंट हो गया। रेंडमाइज जितना करता रहूँगा वो डिफरेंट डिफरेंट शेप देता रहेगा, आप यहाँ पे रेंडमाइज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये सर्कल आपको जो नज़र आ रहे हैं ये डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक, ये बिल्कुल डिफरेंट से हो गए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक। अब कहता है कि यूज़ ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर क्या सिचुएशन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर वो कहता है ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं और इसका मोड स्क्रीन कर दें। अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आते कहाँ से, राइट क्लिक मैं अपनी लेयर के ऊपर करूँगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर इसका जो ब्लेंड मोड है वो करने यहाँ पे स्क्रीन, ये लिखा हुआ स्क्रीन, ये मैंने अप्लाई कर दिया। जहाँ पे जब मैंने स्क्रीन अप्लाई किया तो यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट हो गया। स्क्रीन का मतलब यानी ट्रांसपेरेंसी यार पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन के बाद क्या किया उसने, कहा था कि स्क्रीन के बाद इसके अंदर आप अप्लाई करें ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो का मोड मल्टीप्लाई कर दें। मैंने कहा ठीक है। ड्रॉप शेडो के ऊपर मैंने चेक लगाया, सी वो देखो थोड़ा सा विजिबिलिटी हुई उसकी। ड्रॉप शेडो के ऊपर मैंने चेक लगाया और ये सेलेक्ट किया ड्रॉप शेडो का विंडो, ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। अब वो कहता है कि ओपेसिटी इसकी यूज़ करें 14 और एंगल रखें 19। तो ओपेसिटी मैंने यहाँ पे कर दी 14 और एंगल कर दिया 19, जो डिफ़ॉल्ट 90 हुआ हुआ है, ओपेसिटी 14 हुई हुई है, परफेक्ट है। डिस्टेंस सेपरेट और साइज़ वो कहता है 5, 4, 4 इसको अप्लाई कर दें। मैंने कहा 5 डिस्टेंस कर दिया, 4 सेपरेट कर दिया और 4 ही मैंने साइज़ कर दिया, ये हो गया परफेक्ट। अब
अब वो कहता है कि अब क्या करें, अब काउंटोर में जाके जो कोन है, जो इसका एंगल है, वो कोन कर दें। अभी काउंटोर कहाँ है, ये इसकी क्वालिटी के अंदर है। क्वालिटी कहाँ दिख रही है, क्वालिटी आपको यहाँ दिख रही है, ये वर्ड लिखा हुआ है, और ये आपके पास काउंटोर एक वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर चाहे इस एरो पे क्लिक करो या इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, दोनों में ये आपके अंदर कोन ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, ये कोन का एक्शन आ गया, ऑप्शन आ गया। यही काम मैं यहाँ पे करूँ, सेकंड ऑप्शन आ गया कोन का, ये कोन आ गया, आप इसको सेलेक्ट करोगे, ये कोन का ऑप्शन एक्टिव हो गया। ठीक, जब ये कोन का एक्टिव हो गया तो इसके बाद कहता है कि ये काम आपका कंप्लीट हो गया, नाउ यूज़ शेडो, इनर शेडो। ठीक है, मैंने कहा अच्छा इनर शेडो यूज़ कर सकते हैं, इनर शेडो ये लिखा हुआ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इनर शेडो के अंदर ऑप्शन क्या देता है, क्या क्या चीज़ें देता है, ये देखो। इनर शेडो के अंदर वो कहता है कि आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर दो 15 और कोई चेंज नहीं करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने 1515 इसके अंदर ओपेसिटी इसके अंदर चेंज कर दी और कोई काम नहीं किया। आफ्टर दिस इसके बाद कहता है इनर ग्लो, इसका इनर ग्लो यूज़ करें। इनर ग्लो का है, ये रहा इनर ग्लो, मैंने इनर ग्लो पे चेक लगा दिया। इनर ग्लो पे चेक लगाने के बाद मैंने कहा इसका जो कलर कह रहा है वो ब्लैक कर दो, यानी ये जो वाइट आ रहा है ये वाइट हो गया, इसका कलर मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, ब्लैक हो गया, परफेक्ट। ओपेसिटी उसने कहा 23, मैंने कहा ओपेसिटी 100% है तो अभी कर दो 23। ओपेसिटी थोड़ी सी लाइट हो गई है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो कहता है कि आप बेवल एम्बोस यूज़ करो और उसकी डेप्थ कर दो 71। बेवल एम्बोस पे चेक लगाया और इसकी जो डेप्थ थी वो हमने कर दी 71, यानी 7 एंड 1। इसके बाद जो है इसका साइज़ लिखा हुआ आ रहा है, साइज़ मैंने यहाँ से कर दिया 13। ठीक है, और अब कहता है कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा यहाँ पे 72 ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक, अब वो कहता है कि हाईलाइट मोड नॉर्मल रखो, ठीक है, हाईलाइट मोड को नॉर्मल रखो एंड कलर इज़ वाइट एंड ओपेसिटी 100। अब ये हाईलाइट का है, सी ये रहा हाईलाइट, हाईलाइट का मोड मैंने क्या किया, नॉर्मल, वाइट कलर परफेक्ट है, ओपेसिटी 100 कर दी, परफेक्ट है। अब वो कहता है कि शेडो मोड आ रहा है, शेडो मोड का मोड कर दो लाइटन, शेडो मोड का मोड कर दिया लाइटन, कहाँ गया लाइटन, लाइटन लाइटन दिया लाइटन कर दिया। ओपेसिटी मैंने कर दी यहाँ पे 90, ठीक है, और मैंने कलर इसका ब्लैक ही रखा। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मेरे पास सिचुएशन ये आ रही है कि मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती की जो ड्रॉप इतना परफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने कहा शायद मैंने कलर मोड परफेक्ट रखा हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल सही रखा हुआ है, कलर वाइट 100% ओपेसिटी। मैंने कहा इनर शेडो में देख लो, इनर शेडो के अंदर मैंने कोई प्रॉब्लम किया, इनर शेडो के अंदर चेंजिंग हुई हुई है, देखो यहाँ पे आके शेडो के अंदर प्रॉब्लम हुई है, ये मुझे कुछ नहीं देना था, सी अब कुछ बनता जा रहा है। और मैंने कहा एक और चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इनर शेडो, इनर ग्लो के अंदर कलर ब्लैक रखा था, इनर ग्लो के अंदर कलर ब्लैक रखा था, और ये देखो यहाँ से भी, ये देखो ये चीज़ें भरी हुई थी ना, ये पहले से सेटिंग हुई थी, इन सबको ज़ीरो करना था, ये नहीं किया। सही, अब देखो वो पानी के ड्रॉप मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट आ गए। अब हमने कोई काम नहीं करना, अब हमें सिंपल सा एक काम करना है कि हमने इसको ओके करना है। ओके कर दिया, जब मैंने इसको ओके कर दिया तो देखो ये ड्रॉप मेरे पास परफेक्ट आ गए, ये देखो जो हमने बनाए थे ये परफेक्ट ड्रॉप आ गए। ये परफेक्ट ड्रॉप आने के बाद क्या हुआ कि अब आप ब्रश टूल लेंगे, आप यहाँ से कोई भी काम करेंगे ना, ये उसी तरह से ड्रॉप बने हुए होंगे। सी, ये बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉप बने हुए, अगर आप कंट्रोल जेड करके अंडू कर लें तो ये आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूँ तो मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, सी इस तरह से, इस तरह से टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक, इस तरह से जब मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ये मैं ब्रश के थ्रू लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस तरह से ड्रॉप बनाना चाहूँ तो ड्रॉप भी बना सकता हूँ। ये ड्रॉप आप किसी पे भी चीज़ पे बना सकते हैं, ये आप ड्रॉप केन पे बना सकते हैं, किसी वाटर बॉटल पे बना सकते हैं, ये आप किसी भी चीज़ के ऊपर बना सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आप किसी लीफ के ही ऊपर बनाएं, आप किसी भी चीज़ के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लांट के ऊपर या किसी के ऊपर लिखेंगे तो एक अच्छा कलर आएगा। सही, ये देखो ये लाइट ऑटोमेटिकली आ रही है,
इसके अंदर शेड आ रहा है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये इन्हीं की वजह से आ रहा है कि मैंने इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शन रखे हुए हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन किस तरह से यूज़ करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर थी, जो मैंने कुछ ऑप्शन बनाए थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके और भी ऑप्शन हैं, वो मैं बताऊँगा कि क्या क्या हम करते हैं, ठीक। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसका असाइनमेंट मुझे स्क्रीन पर ज़रूर दिखाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर दिखाइएगा क्या बनाया आपने, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास होती है अब 21 मार्च को, ठीक है। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।